हेलो ऑल। सो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग पिछले क्लास में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लिमिटेशन देखा था। आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है ये हम लोग देखेंगे आज। तो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है हमारा, ये एक्चुअली प्योरली बेस्ड है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन पे, है ना। मतलब जो लिगेंड और जो मेटल आयन के बीच में जो फोर्स है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इसमें काम करता है। ये सबसे पहले जो है किसने दिया था, सबसे पहले इसे ड्राइव किया गया था बेथेन वन क्लिक, है ना, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले इसको डिराइव किया था। तो ये एक्चुअली क्या है, प्योरली बेस्ड है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन में, है ना। ये बॉन्डिंग करता है जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, वो क्या है, इंटायरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये साफ साफ जो है डिनाई कर दिया है कि जो मेटल आयन और जो लिगेंड के बीच में जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो रहा था, VSB जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने देखा, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा था वो यहाँ पर मिसिंग है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है। ये क्यों, क्योंकि कुछ लिमिटेशन के कारण जो है, जैसे कि कुछ कंपाउंड था, जैसे हाई स्पिन, लो स्पिन, वीक फील्ड लिगैंड, स्ट्रांग फील्ड लिगैंड, ये सारी चीज़ को जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसको समझा नहीं पाया, है ना। वो चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे अच्छे से, ठीक है। जो जो यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आया इस पे हम अच्छे से देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को जानने से पहले एक बार और आप ब्रशअप कर लीजिए, क्या आपका डी ऑर्बिटल्स कैसा दिखता है, डी ऑर्बिटल्स क्या है, डी ऑर्बिटल्स मतलब जितना अच्छा से आप डी ऑर्बिटल्स को इमेजिन कर पाएंगे उतना अच्छा से जो है आप इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझ पाएंगे। और सारे कॉम्प्लेक्स का जो CFSE मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है वो आप इजीली निकाल सकते हैं कि वो कौन से लेवल पे जाएगा, EG में जाएगा या T2G में रहेगा, है ना, वो डीजेनरेट करेगा या नॉन डीजेनरेट रहेगा। ये जितना तरह का आपके दिमाग में क्वेरी है सारा चीज़ सॉल्व हो जाएगा। बस आपको दिमाग में ये बैठाना है कि जो पाँचों ऑर्बिटल्स है, बी सबसेल का जो पाँचों ऑर्बिटल्स है, उसका शेप, उसका डायरेक्शन और जो लिगेंड किसी मेटल सेंटर में किस तरह से किस डायरेक्शन में अप्रोच करता है, आप इजीली जान जाएंगे कि कौन हायर एनर्जी में जाएगा या कौन लोअर एनर्जी में जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, है ना, शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या है, हम इस डी ऑर्बिटल्स को क्या करते हैं, हम लोग दो भाग में बांट देते हैं। एक हम लोग करते हैं इसको EG और दूसरा T2G, है ना। तो एक आ जाता है हमारा DXY, DYZ और आता है DZX, दूसरा आता है DX2, Y2 और DZ2। ये किस बेसिस पे बांटा हुआ है, हम एनर्जी लेवल पे अभी नहीं बांटेंगे, अभी हम फिलहाल देखेंगे कि इसका जो ओरिएंटेशन है स्पेस में, बेस्ड ऑन द ओरिएंटेशन इन स्पेस, है ना, बेस्ड ऑन क्या है, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या है स्पेस पे है, उसी आधार पर हम इसको डिवाइड करेंगे। आप अगर गौर से देखेंगे DXY, मान लेते हैं कि ये आपका, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, ये X डायरेक्शन है, ये Y डायरेक्शन है, ठीक है, और ये आपका Z डायरेक्शन है, करेक्ट। तो जो XY, जैसे DXY की बात अगर हम कर रहे हैं, पहले इस तीनों की बात करेंगे हम लोग, तो DXY की बात अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो रहा है, ये XY है ना, ये XY प्लेन है इस तरह से, है ना। तो XY प्लेन पे, ये XY प्लेन पे बना ये आपका, ठीक है। तो हम साथ में कोऑर्डिनेट भी लिख देंगे तो आपको इजी होगा, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, XY, फिर आपका आ जाएगा ये Y और ये -X, है ना। तो ये जो बनेगा ये कौन सा हो गया, ये आपका -X और Y, ठीक है। अब जो आ जाएगा ये यहाँ पर आ जाएगा आपका X, ये -Y है, ये -X है, तो ये जो लोब बनेगा ये क्या हो जाएगा आपका -X -Y, ठीक है। और अब जब ये लोब बनेगा, ये लोब क्या हो जाएगा आपका X -Y, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ये कहाँ पर है, कोई भी आपका किसी भी कोऑर्डिनेट पे नहीं है, ये कहाँ पर है आपका, ये इन बिटवीन जो आपका एक्सिस है ना, इन बिटवीन एक्सिस पे आपका ये पड़ा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं ये DXY, अब देख लेते हैं तीनों एक साथ देख लेते हैं, ये DXY हो गया। अब नेक्स्ट जो है ये X डायरेक्शन है हमारा, ये Y डायरेक्शन है और ये हमारा Z डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट है वो हमारा DYZ,
तो डी वाई जेड को हम लोग कैसे करेंगे, वाई जेड मतलब ये और ये, है ना, ये और ये। तो ये जो ऑर्बिटल है ये कौन से प्लेन में है आपका, ये वाई और जेड, तो इसको हम लोग लिखेंगे वाई जेड। ठीक है, ठीक है, ये इस प्लेन पे है। अगर आप इसको इस तरह से इस तरह से ऐसे 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 भरेंगे तो ये इस प्लेन पे है। ठीक है, और दूसरा कहाँ आएगा आपका, ये वाई, ये माइनस वाई है, तो दूसरा आपका इस प्लेन पे आएगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा आपका, ऐसे लिखेंगे माइनस वाई जेड, ये इस प्लेन पे आया, ये वाला ऑर्बिटल। अब आ जाता है आपका फिर ये हो गया आपका माइनस जेड, तो ये प्लेन और ये प्लेन वाई, इस दोनों प्लेन के बीच में जो बन रहा है यहाँ पर, इसको हम लोग कहेंगे माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, अब देखिए ये वाई और ये माइनस जेड है, तो अब बन रहा है इस प्लेन पे, ये वाई और माइनस जेड पे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग वाई माइनस जेड। ठीक है, तो ये चारों हो गया, है ना, मतलब चारों लोग हो गया यहाँ पर डी एक्स वाई जेड का। अब आ जाते हैं हम लोग, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे डी एक्स जेड, तो एक्स जेड, ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये आपका माइनस जेड डायरेक्शन हो गया। तो पहला जो लोब है वो इस तरह से रहेगा, इसी डायरेक्शन में रहेगा, है ना, इस दोनों के बीच में रहेगा, तो ये कैसे दिखेगा, एक्स माइनस जेड। ठीक है, दूसरा क्या आएगा आपका, ये आ गया आपका माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स और जेड, है ना, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन के बीच में, इन बिटवीन में जो बनेगा यहाँ पे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, माइनस एक्स माइनस जेड। ठीक है, माइनस एक्स और माइनस जेड, करेक्ट। अब जो आ जाएगा आपका ये माइनस एक्स और जेड, इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट के बीच में आएगा, यहाँ पे आएगा, इसको हम लोग कहेंगे माइनस एक्स जेड। ठीक है, अब जो बचा वो ये जेड और ये एक्स, इस जगह पे बनेगा, है ना, ये, तो ये बन गया आपका जेड एक्स, है ना, या एक्स जेड जैसे लिखेंगे। तो ये तीनों आपको समझ में आ गया किस तरह से है, ये तीनों कोई भी किसी कोऑर्डिनेट को नहीं, मतलब किसी भी एक्सिस को नहीं काट रहा है, ये क्या कर रहा है, इन बिटवीन एक्सिस में है। ठीक है, ये इन बिटवीन एक्सिस में है। तो अब जो है, इसलिए हम लोग क्या किए हैं, बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन ये तीनों को एक जगह पे रखें। अब जैसे बात आती है कि डी एक्स वाई एक्स टू वाई टू की, तो ये भी देख लेते हैं, ये एक्स है मेरा, ये वाई है, ये जेड है, है ना, इसको खींच लेते हैं। तो ये जो डी एक्स टू वाई टू है वो क्या है, देखिए ये इस कोऑर्डिनेट पे है यहाँ पे, और दूसरा इस कोऑर्डिनेट, ये कहाँ पर है, इस कोऑर्डिनेट पे है, मतलब ये इस एक्सिस के ऊपर में है, करेक्ट। तो इसीलिए ये एक्सिस के ऊपर में है और ये इन बिटवीन है। तो आप एक चीज़ देखिए, जब भी हम कोई भी लिगैंड आता है, है ना, कोई भी लिगैंड अप्रोच करता है, लिगैंड मतलब यहाँ पर हम एजम्पशन में देखेंगे उसको, हम लोग बोलेंगे कि अगर वो न्यूट्रल है तो उसको कहेंगे पॉइंट डाइपोल, और अगर वो नेगेटिवली चार्ज लिगैंड है तो उसको हम लोग कहेंगे पॉइंट चार्ज। तो अब क्या है, अगर पॉइंट चार्ज हो या फिर पॉइंट डाइपोल हो, जो भी आ रहा है आपको अप्रोच कर रहा है मेटल सेंटर को, तो वो अप्रोच करता है किस डायरेक्शन में, सिर्फ तीन कार्टेशियंस में, मतलब कि एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, जेड माइनस जेड, है ना, यही तीन, मतलब जो ये टोटल तीन और तीन दोना छः, जो ये आपका कार्टेशियन है, इसी पे ये अप्रोच करेगा, मतलब ये कभी भी इन बिटवीन स्पेस से अप्रोच नहीं करता। तो जब ये मान लेते हैं कि सिर्फ एक्सिस पे अप्रोच करता है, तो अगर ये डी एक्स, इसका ये है आपका डी एक्स टू वाई टू, तो अगर इस पे अप्रोच करेगा तो आप देखिए रिपल्शन ऑब्वियसली ये हाई होगा, है कि नहीं, क्योंकि ये इस एक्सिस पे है और इसी एक्सिस पे अप्रोच कर रहा है, तो रिपल्सन इसका ऑब्वियसली हाई होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे डी एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड की, तो ये इन बिटवीन है, अप्रोच तो आपका या तो वाई में करेगा, या तो एक्स में करेगा, या जेड में करेगा, लेकिन हमारा ये ऑर्बिटल जो इसमें जो मेटल सेंटर में जो हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो हमारा एक्सिस पे तो नहीं है। अब एक्सिस में नहीं है तो क्या होगा, ये रिपल्शन उतना गेन नहीं करेगा, है ना, रिपल्शन गेन नहीं करेगा, तो ये लोअर एनर्जी में रहेगा, ठीक है, और ये हाई एनर्जी में रहेगा। और एक ऑर्बिटल बचा हुआ है, उसको भी बना देते हैं हम, उसको बना देते हैं यहाँ पे, बना देते हैं, ये आपका हो गया, ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाई, एक काम करते हैं यहाँ जेड डायरेक्शन को हम लेते हैं, क्योंकि हम उसको, ये वाई हो गया आपका, ठीक है, तो ये जेड डायरेक्शन में बना हुआ रहता है, और इसका एक एनुअल बना हुआ रहता है, है ना, जो कि एक्स वाई प्लेन में रहता है, ये एक्स वाई प्लेन पे है और ये आपका जेड प्लेन पे है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डी जेड टू। ठीक है, ये भी देखिए कहाँ पर है, इस एक्सिस पे ही है, है ना, जेड एक्सिस पे ही है, तो जो अप्रोच करेगा वो तो जेड एक्सिस पे करेगा, तो अप्रोच करेगा तो ये भी हायर एनर्जी पे जाएगा। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट एक्स और वाई डायरेक्शन में ये हम ऑर्बिटल बन रहा है, करेक्ट। इसको ध्यान से देखिएगा, ये एनिमेटेड पिक्चर है, तो इसमें हमने क्या बनाया, डी एक्स टू वाई टू, ठीक है,
जो कि इस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में था। अब जो है नेक्स्ट जो ये बन रहा है, ये देखिए आप इन बिटवीन स्पेस पे, एक्स और वाई की इन बिटवीन स्पेस पे, जो कि डी एक्स वाई है, ठीक है। तो इसको भी हमने साइड में रख दिया, डी एक्स वाई। अब जो है आप देखेंगे हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको कोऑर्डिनेट को मॉडिफाई किया, जेड को ऊपर रखा, एक्स को इधर रखा। मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको थ्री डायमेंशनली दिखाने का। अब ये जो बन रहा है आपका, देखिए एक्स और जेड कोऑर्डिनेट में है, तो इसको हम लोग डी एक्स टू जेड टू लिखेंगे, है ना, डी एक्स टू जेड टू, करेक्ट। ये आपको पहली बार दिख रहा होगा डी एक्स टू जेड टू। इसका यूज़ होता है जनरली आपका डी जेड स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए, मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे। तो अभी यहाँ पर देखिए आप कैसे ये डी एक्स जेड बना, है ना, जो कि इन बिटवीन स्पेस पे था। अब फिर नेक्स्ट जो है हमने क्या किया, वाई कोऑर्डिनेट को लेके आया, है ना, और जेड को लेके आया। तो यहाँ पर देखिए ये अब जो बनेगा ये डी वन डी वाई टू जेड टू बनेगा, है ना, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट पे है, करेक्ट, वाई और जेड कोऑर्डिनेट पे है, करेक्ट। अब जो है नेक्स्ट जो है हमारा, यहाँ पर हम डी जेड वाई, डी जेड वाई बना रहे हैं, या वाई जेड जो भी आप कहेंगे, जो कि देखिए इन बिटवीन स्पेस पे है, ठीक है। मैं थ्री डायमेंशनली दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ आपको, आप जस्ट इमेजिन कीजिएगा इसको, बुक में तो दिखाने की दिखा नहीं सकते हैं हम। अब देखिए मैं इसमें क्या करूँगा, डी जेड स्क्वायर आपको बताऊँगा कैसे होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर को मैंने रखा जैसे वो था उस तरह से कोऑर्डिनेट में, और वाई टू जेड टू को भी रखा जैसे वो उस कोऑर्डिनेट में था। देखिए क्या हुआ, जहाँ ये जेड डायरेक्शन में था यहाँ पर ये ओवरलैप कर गया, करेक्ट। तो ये ऑर्बिटल क्या हो गया आपका, जेड स्क्वायर का बना, और ये एनुल ऐसे ही एनुल बन रहा है, जो सर्कल बनता है ये एक्स वाई प्लेन में, ये जो सर्कल बना है ये एक्स वाई प्लेन में बना है, और जो ऑर्बिटल है वो जेड स्क्वायर में है ना। तो ठीक है, इसको आप इमेजिन करेंगे, है ना, करेक्ट। देखिए इसको आप डी जेड स्क्वायर को किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह डंबल भी बना सकते हैं और बीच में एनुअल, या फिर सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हैं, करेक्ट, ठीक है। सो इसको आप ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे, सब ऑर्बिटल को एक जगह पे ला करके हम इसको पांचों डी ऑर्बिटल का एक साथ रहेगा तो किस तरह दिखेगा। देखिए डी एक्स टू वाई टू आया जो कि कोऑर्डिनेट में है, और जेड टू दोनों यहाँ पे। अब डी एक्स वाई को मैंने यहाँ पे लाया जो कि इंटर स्पेस है, है ना, एक्स वाई प्लेन पे है। आगे आइए, ये एक सर्कल की तरह बना लिया, करेक्ट। अब जो है डी एक्स जेड लेके आऊँगा जो कि एक्स और जेड के बीच में जगह जो है स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करेगा, करेक्ट। तो ये आकर के देखिए एक्स और जेड के बीच का स्पेस को ऑक्यूपाई किया, ये भी एक सर्कल की तरह बन गया। अब आपके बचा कौन सा, डी वाई जेड, तो वाई और जेड के बीच में जो ये स्पेस है इसको भी ये ऑक्यूपाई करेगा, है ना। तो आकर के ये इसको भी फिटिंग कर दिया, तो ये अब एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना आपका, है ना। तो यही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में इजीली एक्सप्लेन किया गया है इसको, ना कि वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया है। तो देखिए ये एक क्रिस्टल की तरह बना, करेक्ट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ये, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स टू वाई टू, ये दोनों क्या है, ये हायर एनर्जी पे है ना, ये दोनों हमारा हमेशा हायर एनर्जी पे है कंपेयर टू डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो ये आपके लिए इजी होगा, है ना, ठीक है। और ये तीनों को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, टी टू जी, और ये दोनों को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, इजी, है ना, ये दोनों को हम लोग इजी कहते हैं, ये दोनों, ये तीनों को हम लोग टी टू जी कहते हैं। ये टी टू जी क्या है, लोअर एनर्जी में होता है, और ये इजी क्या है, ये हायर एनर्जी में रहता है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट क्या है, हम लोग सीधे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एजम्पशंस देखेंगे, क्या क्या एजम्पशंस है, करेक्ट। तो हम लोग एजम्पशंस देखेंगे, ठीक है, तो एजम्पशंस है ना। तो पहला क्या है, जैसे देखिए जो भी कॉम्प्लेक्स है ना, जैसे जैसे ये मेटल आयन है जो हमारे कॉम्प्लेक्स में है ना, जो कॉम्प्लेक्स में ये मेटल आयन है, ये मेटल आयन क्या होता है, सराउंडिंग रहता है किससे, आयन्स या मॉलिक्यूल से, है ना, जो मेटल आयन है वो सराउंडिंग्स रहता है आयन या फिर मॉलिक्यूल से, ठीक है, जो कि हम लोग कहते हैं जिसको लिगेंड, अगर आयन्स कहेंगे तो नेगेटिव लिगेंड, अगर मॉलिक्यूल्स कहेंगे तो वो न्यूट्रल लिगेंड, है ना। सो इससे हम लोग क्या करते हैं, जैसे फिर मैंने आपको कहा कि एक होता है आपका पॉइंट चार्ज जो कि हमारा नेगेटिव लिगेंड है, एग्जांपल हो गया जैसे क्लोराइड फ्लोराइड, है ना, और दूसरा हो गया आपका क्या, पॉइंट डाइपोल। तो पॉइंट डाइपोल जिसको कहेंगे हम लोग, पॉइंट डाइपोल कहेंगे हम लोग जो कि हमारा न्यूट्रल
लिगेंड है ना। न्यूट्रल लिगेंड को हम लोग पॉइंट डाइपोल कहेंगे, जैसे कि हमारा ये NH3 हो गया है ना, ये NH3 हुआ, वाटर हो गया, एक्वा जो जिसको हम लोग एक्वा कहते हैं, तो ये सब हो गया न्यूट्रल लिगेंड, तो ये सब हम लोग पॉइंट डाइपोल कहेंगे। और जो नेगेटिवली चार्ज निकाल लिगेंड रहता है उसको हम लोग पॉइंट चार्ज कहेंगे, ठीक है। अब ये हो गया पहला पॉइंट आपका कि जो मेटल आयन है वो सराउंडेड रहता है आपका या तो पॉइंट चार्जेस से या फिर पॉइंट डाइपोल से, करेक्ट। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है जो भी ये मेटल आयन है, मेटल आयन और जो भी हमने यहाँ पर पॉइंट चार्ज या पॉइंट डाइपोल कहा है, इसके बीच में जो ये एक इंट्रैक्शन होता है, बॉन्ड तो नहीं कहेंगे, इसके बीच में जो एक इंट्रैक्शन रहता है इसको हम लोग कहेंगे प्योरली आयनिक, है ना, प्योरली आयनिक कहेंगे इसको। ये ना ही आपका जो आपका VBT है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कहा था कि ये एक ओवरलैप करता है, कोवेलेंट नेचर बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ऐसा कुछ नहीं बनता यहाँ पर। यहाँ इसके अनुसार क्या है, ये प्योरली आयनिक है, ये जस्ट एक इंट्रैक्शन है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका। तीसरा पॉइंट में क्या है आपका, जो इंट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कैटायन, जो कि कैटायन मतलब जो मेटल आयन है, मेटल आयन में भी तो हमारा क्या है, जो उसका जो जैसे हमने उसमें देखा था पेयर अप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो डी ऑर्बिटल में कुछ तो इलेक्ट्रॉन होगा, या एस में होगा, या पी में होगा, कुछ तो इलेक्ट्रॉन होगा। तो मेटल आयन में जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेगा, लिगेंड से जो लिगेंड हमारा है, लिगेंड में लिगेंड तो ऑब्वियसली या तो नेगेटिव होगा या फिर न्यूट्रल लिगेंड होगा, जो भी होगा उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। तो ये लिगेंड इस मेटल आयन का जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ क्या करेगा, एक रिपल्शन बनाएगा, है ना, एक रिपल्शन मतलब दोनों अट्रैक्ट नहीं होगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा एक दूसरे को। तो जो ये रिपल्शन करेगा एक दूसरे को, तो यही रिपल्शन क्या करता है, यही रिपल्शन जो है इसको स्प्लिट करता है, मतलब जो हमारा एक डीजेनरेसी रहता है डी ऑर्बिटल में, जो एक डीजेनरेसी रहता है, मतलब जो पांचों ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे रहता है, वो क्या हो जाएगा, अब स्प्लिट कर जाएगा, है ना, स्प्लिट करके क्या हो जाएगा, Eg और T2g, है ना, Eg और T2g में स्प्लिट कर जाएगा, करेक्ट। तो ये स्प्लिट जो कर रहा है ये किसके कारण कर रहा है, जो ये मेटल आयन का जो इलेक्ट्रॉन है और जो लिगेंड इनकमिंग लिगेंड है वो जो है आपका एक दूसरे से रिपल्शन करता है, रिपल्शन करता है, वही है ना, जैसे DX2Y2 में अगर आया या फिर DZ2 में आया तो वो क्या होगा, वो तो उसी कोऑर्डिनेट पे है, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा उसको, रिपेल करेगा तो वो हायर एनर्जी में चला जाएगा, तो हायर एनर्जी में जाने के कारण उसको हम लोग कहेंगे ईजी। ईजी जो दो ऑर्बिटल है वो क्या हो गया, हायर एनर्जी में चला गया, और जो हमारा ये तीन ऑर्बिटल है जो कि इन बिटवीन स्पेस पे था वो क्या हो जाएगा, वो नीचे चला आएगा और वो लोअर ऑर्बिटल में चला जाएगा। और जो बीच में आपका जो एक लाइन आता है जो कि हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल हम जिसको कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेरी सेंटर, है ना। तो हम लोग बेरी सेंटर से ही मेजर करते हैं कि ईजी लेवल कितना ऊपर गया और T2g लेवल कितना नीचे गया, ठीक है, बेरी सेंटर को हम लोग जीरो मार्क करके रहते हैं, करेक्ट। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया आपका। तीसरा पॉइंट के बाद अब फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, ये थ्योरी पूरी तरह से नेग्लेक्ट करता है कि ओवरलैपिंग, जो VBT में कहा कि ओवरलैपिंग हो रहा है, इसको पूरी तरह से नेग्लेक्ट करता है कि यहाँ कोई ऑर्बिटल नहीं हो, जो भी लिगेंड ऑर्बिटल और मेटल ऑर्बिटल है ये एक दूसरे से ओवरलैपिंग नहीं करता है ना। और फिर आपका फिफ्थ पॉइंट क्या है, सो ये जो डी ऑर्बिटल है हमारे मेटल का, जो डी ऑर्बिटल है ये क्या होता है, ये डीजेनरेट लेवल पे रहता है, कब, जब फ्री स्टेट में रहता है, जब मेटल फ्री स्टेट में रहता है तो ये डीजेनरेट लेवल पे रहता है ना, डीजेनरेट स्टेट पे रहता है। अब क्या हुआ, लिगेंड ने अप्रोच किया, चाहे वो न्यूट्रल हो या फिर नेगेटिव लिगेंड हो, मतलब पॉइंट चार्ज हो या फिर पॉइंट डाइपोल हो, उसने अप्रोच किया तो क्या होगा, ये एक हाइपोथेटिकल एनर्जी है ना, हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल में जाएगा, जो अभी भी एनर्जी लेवल पे जाएगा जो अभी भी जो है डीजेनरेट रहता है ना, डीजेनरेट रहता है। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, नॉन डीजेनरेट हो जाएगा, है ना, जब रिपल्शन बहुत हाई हो जाएगा तो नॉन डीजेनरेट हो जाएगा। तो अब बात आती है कि डीजेनरेट और नॉन डीजेनरेट को हम लोग कैसे समझेंगे, तो डीजेनरेट क्या हो गया, जो इक्वल एनर्जी है ना, मतलब जो एनर्जी है वो पूरे पांचों में इक्वली डिवाइडेड है। लेकिन नॉन डिजेनरेट का मतलब क्या है कि इक्वली डिवाइडेड नहीं है, एक ऊपर और एक नीचे चला गया है ना, ईजी ऊपर चला गया, T2g नीचे चला गया है, स्प्लिट कर गया, ये नॉन डिजेनरेट हो गया। हम ये बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। सो अब हम लोग ऑक्टाहेड्रल में देखेंगे कि कैसे स्प्लिट कर रहा है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कोई एक ले लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं टिटेनियम F6 2-, तो यहाँ क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है,
तो ऐसे टिटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, 4+ आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर 6 है और यहाँ पर -2 है, तो -6 = -2 उधर जाएगा, तो +6 - 2 बराबर हो जाएगा +4, तो टिटेनियम 4+ हो गया हमारा ये। अब क्या होगा, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा, तो ऑक्टाहेड्रल बनाएगा तो क्या करेगा, ये एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, जेड माइनस जेड कोऑर्डिनेट पे ही बैठने चाहेगा फ्लोरीन, है ना, जो भी यहाँ पर है फ्लोरीन। तो क्या होता है इसमें, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है इस एनर्जी लेवल से ही हम लोग पहले ड्राइव करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे, ये आपका एनर्जी लेवल है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये ग्राउंड स्टेट पे रहेगा, है ना, 3, 4, 5, तो ये हो गया ग्राउंड लेवल में। एक काम करता हूँ, मैं बना लेता हूँ पहले, फिर ये ग्राउंड स्टेट में मतलब ये क्या है, ये डीजेनरेट है, डीजेनरेट है, इसको हम लोग कह सकते हैं ग्राउंड स्टेट पे है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि जो मेटल आयन है, मतलब टिटेनियम 4+ है, ये टिटेनियम 4+ क्या है, ये आपका फ्री स्टेट पे है, है ना, अभी किसी के साथ बॉन्ड नहीं कर रहा। अब जैसे लिगैंड जैसे जैसे अप्रोच करेगा, है ना, मान लेते हैं लिगैंड ने अप्रोच कर दिया, लिगैंड अप्रोच किया तो क्या होगा, ये अब थोड़ा सा एनर्जी लेवल अपना यहाँ पे आ गया, तो ये भी अभी भी जो है ये क्या है, डीजेनरेट ही है, अभी भी ये डीजेनरेट स्टेट पे ही है, लेकिन इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोथेटिकल, है ना, हाइपोथेटिकल एनर्जी स्टेट या हाइपोथेटिकल एनर्जी, हाइपोथेटिकल डीजेनरेट स्टेट, मतलब यहाँ जस्ट आप अप्रोच करना शुरू किया। अब क्या होगा, बहुत ज़्यादा रिपल्शन बढ़ जाएगा, तो अब क्या होगा, यहाँ से हम इसको पहले सबसे पहले क्या करेंगे, बेरी सेंटर बना लेते हैं, है ना, बेरी सेंटर बना लिए, बेरी सेंटर मतलब ये एनर्जी, जो एनर्जी लेवल है ये है। अब क्या होगा, है ना, अब होगा, है ना, ईजी ऊपर जाएगा, टी टू जी नीचे आएगा, है ना, तो ईजी और टी टू जी आ गया, इसमें क्या होगा हमारा 3 आ जाएगा, कौन सा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, यहाँ पे कौन सा रहेगा हमारा, 2 रहेगा, क्या, डी एक्स टू वाई टू और डी जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम ओवरऑल देखें, हमारा जो यहाँ पर था, मतलब पहले तो डीजेनरेट था, फिर अप्रोच किया तो हाइपोथेटिकल एनर्जी स्टेट, थोड़ा सा एनर्जी लेवल बढ़ा, ठीक है, उसके बाद फिर ज़्यादा रिपल्सन के कारण क्या हो गया, ये क्या हो गया, स्प्लिट कर गया, तो ये अब नॉन डीजेनरेट हो गया हमारा, नॉन डीजेनरेट, है ना, डीजेनरेसी इसका क्या हो गया, ख़त्म हो गया, नॉन डीजेनरेट कर गया, करेक्ट। लेकिन जो ये ईजी है, ये क्या है हमारा, डबली डीजेनरेट, ईजी हमारा डबली डीजेनरेट, मतलब ये दोनों जो एनर्जी लेवल है डी एक्स टू वाई टू और जी जेड टू, ऑक्टाहेड्रल के लिए, है ना, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में क्या होगा, ये दोनों हमारा क्या हो गया, ये डीजेनरेट है, इसलिए इसको हम लोग डबली डीजेनरेट कहेंगे, है ना। और ये जो तीनों है, ये हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपली डीजेनरेट, है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रिपली डीजेनरेट, है ना, मतलब क्या है, ये जो डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स है, ये टी टू जी एनर्जी लेवल पे क्या है, ये तीनों क्या हो गया हमारा, ये हमारा डीजेनरेट है ना, लेकिन आपस में ईजी और टी टू जी जो पांचों ऑर्बिटल था वो अब क्या हो गया, वो नॉन डीजेनरेट हो गया ना। अब बेरी सेंटर से ये नीचे आया और बेरी सेंटर से ये ऊपर गया, ये इसीलिए गया क्योंकि ओवरऑल जब हम ईजी और टी टू जी को जोड़ेंगे, ये ईजी और टी टू जी का एनर्जी को जब जोड़ेंगे तो ये जीरो आना चाहिए, मतलब जो बेरी सेंटर का एनर्जी है वही वापस आना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे होगा, ये तो नीचे में है, ये इसका डिस्टेंस कम लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कम लग रहा है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है, तो ऐसा कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले क्या करते हैं, भर देते हैं पूरा इलेक्ट्रॉन, ये टी टू जी में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना। ऐसे सबसे पहले तो ये जान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी लेवल जो है, ये जो डिफरेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, है ना, मतलब ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग एनर्जी, और इसको हम लोग कहते हैं 10dQ, है ना, या फिर 10dQ बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ये एनर्जी लेवल हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है इसको हम लोग बोलते हैं -0.4, इसको हम लोग कहेंगे इसको +0.6, क्योंकि ये एनर्जी ऊपर है इसलिए प्लस, ये एनर्जी नीचे है इसलिए इसको माइनस कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब ये -0.4 है, ये +0.6 है, करेक्ट, समझ में आ गया। तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मान लेते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन टी टू जी में कितना रहेगा, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इंटू क्या है -0.4, कितना आएगा ये,
24 तो 2.4, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। वही चीज़ ईजी में कैलकुलेट कीजिए, ये तो T2G के लिए कैलकुलेट किया। ईजी में जो दो ऑर्बिटल है इसमें क्या हो जाएगा हमारा, दो और दो मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो 4 इंटू क्या है ये प्लस 0.6 है, तो 0.6 तो कितना हो जाएगा ये प्लस 2.4। अब ये प्लस 2.4 और माइनस 2.4 दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, जीरो है ना। तो हमारा क्या आया, ई जी प्लस T2G जीरो। मैंने यही बार बार कह रहा हूँ कि बेरी सेंटर में जो एनर्जी लेवल रहेगा वही वापस ये जुड़ के आ जाएगा। इसी तरह से स्प्लिट किया मतलब जो एनर्जी है डी ऑर्बिटल में जो शुरू से था वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। वो कितना भी स्प्लिट कर जाए वो एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। बस एनर्जी कब घटेगा बढ़ेगा, जब मान लेते हैं कि डी एक्स वाई में ही सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा है, या फिर यहीं पे तीनों छः इलेक्ट्रॉन यहीं पे पड़ा हुआ है, तो एक अलग एनर्जी होगा। लेकिन जब ओवरऑल पांचों डी ऑर्बिटल का एनर्जी अगर हम देखेंगे यहाँ स्प्लिट करने के बाद भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, जीरो ही आएगा। मतलब जो एनर्जी यहाँ पे था वही एनर्जी, मतलब यहाँ जीरो ऐड हो रहा है एनर्जी, स्प्लिट होने के कारण जीरो एनर्जी ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे, है ना। अगर एक दो इलेक्ट्रॉन रहेगा तो यहाँ डी ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी रहेगा यहाँ पर भी वही एनर्जी होगा, करेक्ट। तो एनर्जी को हम लोग बस कॉन्स्टेंट बनाए रखे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। सो अब बात करते हैं ये टिटेनियम इसको बनाने की, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर टिटेनियम को लिख देते हैं, सारा कोऑर्डिनेट बना देते हैं, ये मान लेते हैं ये जेड कोऑर्डिनेट है, ये माइनस जेड, ये एक्स है माइनस एक्स, ये वाई है, ये माइनस वाई है। तो जब भी अप्रोच करेगा वो क्या करेगा, इस कोऑर्डिनेट में छः जो भी फ्लोरिन है, ये एक यहाँ अप्रोच किया, एक यहाँ अप्रोच किया, एक यहाँ अप्रोच किया, एक यहाँ अप्रोच किया, एक यहाँ अप्रोच किया और एक यहाँ अप्रोच किया। तो हमारा जो डी जेड स्क्वायर में है उसके साथ जब फ्लोरिन अप्रोच करेगा तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन के कारण क्या होगा, जो डी जेड स्क्वायर है उसका एनर्जी हाई होगा। अब जो डी एक्स और वाई में था, डी एक्स टू वाई टू है ना, तो उसमें भी रिपल्शन हाई होगा, तो डी एक्स टू वाई टू भी हमारा हाई एनर्जी में जाएगा। अब जो डी एक्स, जो हमारे पास डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स था, वो इन बिटवीन था, इन बिटवीन था, तो वो सब क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये तीनों क्या होगा, लोअर एनर्जी होगा। तो ये सब हमारा कहाँ जाएगा, टी टू जी में, और ये हमारा कहाँ जाएगा, ई जी में, है ना। तो ये अप और टी टू जी डाउन में जाएगा, बेरी सेंटर से, मैं बात कर रहा हूँ बेरी सेंटर से, अप और डाउन में जाएगा, ठीक है। क्योंकि डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स एक्स टू वाई टू और डी जेड टू में क्या हो रहा है, उसके पाथ में ही आ रहा है लिगेंड, है ना। लिगेंड क्या कर रहा है, उसके पाथ में ही अप्रोच कर रहा है, करेक्ट। और यहाँ पर क्या कर रहा है, इन बिटवीन, ये तो इन बिटवीन स्पेस पे है, तो इसके पाथ में अप्रोच नहीं कर रहा, तो यहाँ रिपल्शन कम है, इसलिए एनर्जी भी कम है, करेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद ज़्यादा क्लियर होगा जब आपको इसका नोट्स भी मिल जाएगा ना। तो इसका नोट्स के लिए आप क्या करेंगे, जीकेएम क्लासेस ऐप डाउनलोड करेंगे, आपको वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा इसका, करेक्ट। तो जो आप यहाँ पर वीडियो लेक्चर में समझे इसको आप मैच कर लीजिएगा नोट्स के साथ, और फिर आप क्या कर सकते हैं, आप नोट्स भी आपका बहुत इजीली ग्रैस्प कर सकते हैं नोट्स को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उसमें भी कोई डाउट नहीं है। अगर उसके बावजूद भी कोई डाउट रहता है तो आप हमको हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप उस जीकेएम क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप उसके कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सब को जितना ज़्यादा आप इमेजिन करेंगे, है ना, जितना ज़्यादा इमेजिन करेंगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये सिर्फ मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो इसको ऐसा नहीं समझिएगा कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, ज़रूर होगा, आपको इसी वीडियो लेक्चर सबसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। बस आप अपना बेसिक को ब्रशअप कीजिए, माइंड को ओपन रखिए, है ना। ये बेसिक को अप्लाई करना सीखिए, आप अपने जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें अप्लाई करना सीखिए, आप देखिए ऑटोमेटिकली आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, करेक्ट। तो यही सब पॉइंट है, इसमें और कुछ पॉइंट हमको नहीं दिख रहा है कि वही ट्रिपली डीजेनरेट मैंने करा दिया ऑलरेडी, है ना। ये ऑक्टाहेड्रल के लिए था, ठीक है। बाद में हम लोग बात करेंगे फिर टेट्राहेड्रल का और स्क्वायर प्लेनर का, है ना। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, या वीडियो को अगर आप कुछ और ऐड करवाना चाहते हैं इस वीडियो में, मतलब कि और कितना, मतलब इस वीडियो को और ज़्यादा इम्प्रूव कैसे करें, अगर वैसा कोई सजेशन अगर आपके पास है तो इट्स रियली वेलकम। आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या आप पर्सनली हमको बता सकते हैं कि क्या आप इसमें ऐड करवाना चाहते हैं, ताकि ये वीडियो और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगे, ये वीडियो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, ताकि आप इजीली ग्रेस्प कर सकें, है ना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, है ना। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, थैंक यू।